हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी तीन ऐसी टिप्स के बारे में जो आपके लिए, आपकी बेटर लिविंग के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कोई सुपर फूड नहीं है, ये कोई इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक नहीं है, ये कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है। ये सिर्फ एक तीन छोटी सी टिप्स हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए और बेटर लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। आप अगर कितना भी लंबा सो रहे हैं, दैट वो मायने नहीं रखता। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है तो आपकी हेल्थ बेटर होगी। कोई लोग 9 घंटे सो के भी बहुत ज़्यादा टायर्ड उठते हैं और कोई लोग 5 घंटे सो के भी बहुत एनर्जेटिक उठते हैं। सारी बीमारियों की मेन कॉज जो है आजकल वह स्लीप डेप्रिवेशन, चाहे वो डायबिटीज़ हो, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ हैं। जब हमारी बॉडी अच्छी स्लीप लेती है, हम क्वालिटी स्लीप लेते हैं, देन वी हील, हम लोग हील करते हैं। और आप दुनिया का सबसे अच्छा भी सुपर फूड ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, टर्मरिक ले लीजिए, अपने डिटॉक्स जूसेस ले लीजिए, मगर अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, यू नॉट स्लीपिंग वेल, देन योर बॉडी विल नॉट हील। सो प्लीज़ वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, देन द नंबर ऑफ आवर्स। आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। सेकेंड टिप इज़ योर इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। 95% क्लाइंट्स जो मेरे क्लिनिक में आते हैं, उनकी जो रूट कॉज और उनकी ओबिसिटी का और उनकी सारी बीमारियों का माइंड से स्टार्ट होता है, जो कि उनकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा है तो हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा ही होगा, हम हील भी बहुत अच्छे से करेंगे। आ माइंड इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। पीपल्स माइंड कैन डिस्ट्रॉय देम एंड इट कैन ब्यूटिफुली बिल्ड देम। इट इज़ योर ऑल इन योर माइंड, इट्स योर माइंड सेट। वी शुड कीप चेंजिंग आर माइंड सेट। देर सम कैंसर पेशेंट हैव सीन, जो कि बिलीव करते हैं कि वो हील होंगे, वो हील होते हैं। सो इट इज हाउ वी कोप अप विद द स्ट्रेस विच वी हैव। कोई भी दुनिया में आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है या चैलेंजेस नहीं है। इट इज़ हाउ वी कोप अप विद दैट प्रॉब्लम एंड हाउ ब्यूटिफुली वी हैंडल दैट प्रॉब्लम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके लिए कोई ऐसा पाथ चुन लीजिए, जो जैसे मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हैव सम फेथ दैट कैन मेक यू फील ग्राउंडेड। तो वर्क ऑन योर इमोशनल हेल्थ। आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा लीजिए, कोई भी विटामिन सी के जूसेस पी लीजिए, कितना भी डिटॉक्स स्मूदीज पी लीजिए, मगर आपकी अगर इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका नेगेटिव अप्रोच है, तो आपकी बॉडी कभी हील नहीं कर सकती और आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे एंड यू विल हैव लॉट ऑफ डिजीजेज इन साइड योर बॉडी। थर्ड इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। सेल्फ डिसिप्लिन हमारा, अगर हम किसी चीज़ में भी, दुनिया में कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, कोई भी गोल, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो करियर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बीमारी को हील करना हो, वी हैव टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। अगर हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एनी ऑफ आर गोल, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो हमारा कोई करियर है, चाहे वो हमारा कोई प्रोफेशनल बिजनेस है, कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते अगर वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी है। पीपल दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन। जितना भी हम लोग डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करेंगे रहेंगे, हम उतने ही हेल्दी रहेंगे, उतने ही हम लोग बीमारियों से बचे रहेंगे, उतनी ही अच्छे से हम अपने आप अपना को हील करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग हैं वाइट शुगर भी खाते हैं, दे रिमेन हेल्दी बिकॉज दे नो द लिमिट्स। वो कंट्रोल्ड खाते हैं। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, रोज़ लेते हैं, लेकिन लिमिट में लेते हैं, उनका लिवर भी नहीं ख़राब होता एंड दे डोंट बिकम एडिक्ट। तो हम लोगों को हर चीज़ खानी है, तो हम ओवर क्यों खाते हैं? वाई वी ओवर ईट? वाई वी ओवर ईट और ओवर ड्रिंक एनी थिंग? वी हैव टू हैव मॉडरेशन ऑफ एवरी थिंग इन लाइफ, लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम ये चीज़ अपनी बिल्ड कर लें तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। मेरे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो 5 दिन तक जो भी हम उनको पैटर्न डाइट का या उठने का या वर्कआउट करने का, सोने का देते हैं, वो फॉलो करते हैं 5 दिन तक। 6th 7th डे वो फिर पूरा सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं एंड देन अगेन दे स्टार्ट डूइंग फॉलोइंग द सेम पैटर्न। सो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लिविंग। वी हैव टू मेक इट अ हैबिट दैट कि हमारा लाइफ जो है डिसिप्लिन, जो है सेल्फ डिसिप्लिन, हमारी हैबिट बन जानी चाहिए फॉर आर ओवरऑल बेटर हेल्थ and better living.